मूवी शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टाइलर होता है और वो हॉरर ट्रेलर का फैन होता है और उसे मूवी का द हिल्स रन रेड का बहुत क्रेज होता है और उस मूवी के बारे में ये कहा जाता है कि अब तक जितनी भी हॉरर मूवीज बनी है वो सबसे ज्यादा हॉरर मूवी है। और इस मूवी में लीड रोल करने वाला एक सीरियल किलर है जिसका नाम बेबी फेस होता है और उसका फेस बहुत ज्यादा डरावना होता है। थिएटर में उस मूवी को एक दो बार दिखाया गया और उसके बाद उसे बैन कर दिया गया और उस मूवी को बिल्कुल से खत्म कर दिया गया। इस मूवी को बहुत ही कम लोगों ने देखा था और उनका कहना था कि ये बहुत ज्यादा हॉरर मूवी है। और तो और उस मूवी के डायरेक्टर भी अब गायब हो चुके हैं और उनकी ये एक ही फिल्म थी। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। टाइलर को ये मूवी देखने का बेहद ही क्रेज था और वो मूवी के इस जुनून में अपनी फ्रेंड सेरेना से भी बात नहीं करता था, जो उसे समझाता रहता था कि उस मूवी को इतना भी ज्यादा सीरियस मत लो, वो सिर्फ एक फिल्म है। लेकिन टाइलर को तो उस मूवी देखने का जुनून सवार था। फिर टाइलर को पता चला कि विल्सन कॉन कैनन, जो मूवी का डायरेक्टर होता है, उसकी बेटी एलेक्सा कॉन कैनन, जिसे बचपन में इस मूवी में काम किया था, वो एक क्लब में काम करती थी। टाइलर उसे मिलने जाता है और उस मूवी के बारे में पूछता है जो गुम हो चुकी है। और इस पर एलेक्सा कहती है कि यहाँ पर कैमराज लगे हुए हैं और मैं यहाँ पर तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। वो उसे बाहर वेट करने का बोलती है और दूसरी तरफ सेरेना लॉन के साथ मिलकर टाइलर को जेलस करवा रहा था। टाइलर बाहर कार में उसका वेट करता है। एलेक्सा आती है और गाड़ी में बैठ जाती है और टाइलर को अपने घर ले जाती है और उसे उस मूवी के बारे में ठीक तरह कुछ याद भी नहीं होता, क्योंकि जब वो मूवी रिलीज हुई थी तब वो बहुत छोटी होती है। और वो कहती है कि वो मूवी शायद मेरे फादर के घर से मिल जाए और वो घर यहाँ शहर से दूर एक जंगल में है। और उसे घर का एग्जैक्ट रास्ता भी एलेक्सा को याद नहीं होता क्योंकि वो छोटी होती है। टाइलर, जो कि हर हाल में मूवी को देखना चाहता था और मूवी पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान करता है, और सेरेना और लाला को लेकर वो उस जगह के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक जगह पर वो लोग स्टे भी करते हैं। एलेक्सा को वहाँ पर एक डॉल मिलती है जिसका सर नहीं होता। वो डॉल काफी डरावनी होती है और वो उसे वहीं पर फेंक देती है। फिर उसे पीछे से कुछ आवाजें आती हुई महसूस होती हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर बेबी फेस खड़ा होता है। उसे देखकर वो भाग जाती है और टाइलर से टकरा जाती है, लेकिन टाइलर को बेबी फेस नजर नहीं आता। इसके बाद वो लोग अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ते हैं। वो एक पेट्रोल पंप पर उतरते हैं और ये वही पेट्रोल पंप होता है जो मूवी के ट्रेलर में भी दिखाया जाता है। फिर वो वहाँ के लोगों से इस मूवी के बारे में पूछते हैं और एक बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि उस मूवी में जितना भी खून था वो सारा रियल था। और इसके अलावा भी वो काफी लोगों से मूवी के बारे में पूछते हैं, जिस पर एक आदमी उन्हें बताता है कि जिस जगह पर एक आदमी का मर्डर हुआ था उसे बंद कर दिया गया। और फिर से वो रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और फिर वो जंगल तक पहुंच जाते हैं। आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी तो वो अपना सामान उठाते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। वहां पर उन्हें एक क्रिप क्रेज मिलता है वहां पर उन्हें एक क्रिप क्रेज नजर आता है जिसमें हुक फंसा होता है। टाइलर उन्हें बताता है कि हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां मूवी का रेसिंग फिल्म फाइंड किया गया था। उस सीन में ये था कि लड़की के दोनों पाव हुक की मदद से जमीन से बंधे हुए थे और दो ही हुक उसके शोल्डर में फंसाए हुए थे। फिर उन हुक्स को एक टहनी से बांध कर और उस टहनी को भी रस्सी के साथ बांधा हुआ था और टहनी के झुकने की वजह से लड़की जो है वो लटकी हुई थी। फिर बेबी फेस रस्सी को काट देता है और टहनी वापस ऊपर चली जाती है क्योंकि उसे लड़की के पाव भी जमीन के साथ फंसाए होते हैं तो वो ऊपर नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसे रिबकेस उसके फेस वाले पार्ट के साथ ही ऊपर चला जाता है और उसका धड़ नीचे रह जाता है। एलेक्सा को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, वो वापस जाने का बोलती है लेकिन टाइलर उसकी बात नहीं मानता और वो फिर से आगे बढ़ते हैं। उन लोगों को जंगल में ही काफी रात हो जाती है और वो वहीं पर टेंट लगाकर बैठ जाते हैं। फिर एलेक्सा बेबी फेस की एक स्टोरी बताती है और वो कहती है कि बेबी फेस की मदर के साथ एक आदमी ने रेप किया था और तब बेबी फेस पैदा हुआ था और उसके फादर ने उसका सर काट दिया होता है और उसे कमरे में बंद कर देता है ताकि कभी भी उस आदमी का ख्याल ना आए। बेबी फेस के पास एक प्यारी सी डॉल होती है, वो उसके फेस को काट कर अपने फेस पर लगाकर उसे स्टिचिंग करके जोड़ लेता है और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके फादर उससे नफरत ना करें। और टाइलर सारे दिन की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा होता है और रिकॉर्डिंग में उसे एक अजीबोगरीब चीज नजर आती है। वो बहुत गौर से देखता है और तब उसे पता चलता है कि ये वो बेबी फेस है। फिर एलेक्सा उसके पास आती है और वो कैमरा छुपा लेता है। उसके कैमरे में कुछ आवाजें भी कैप्चर हुई होती हैं। वो उन्हें सुनने के लिए जाता है पर तभी अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। और उसे बेहोश करने वाले वही लोग थे जो उन्हें पेट्रोल पंप पर मिले थे। वो लोग टाइलर के बाकी दोस्तों पर भी हमला करते हैं और उन्हें ट्री से बांध देते हैं और एलेक्सा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से एक कुल्हाड़ी आती है और एक आदमी के अंदर लग जाती है। उन्हें सिचुएशन समझ नहीं आती कि आखिर ये हो क्या रहा है।
तभी अचानक से बेबी फेस आ जाता है और एक और आदमी को वो मार देता है। फिर एक आदमी बेबी फेस का शूट कर देता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो उस आदमी को भी मार देता है। फिर वो एलेक्सा को भी पकड़ लेता है। एलेक्सा उसे लोरी सुनाती है और वो रिलैक्स हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर एलेक्सा वहाँ से भाग जाती है और साथ में बेबी फेस भी उसके पीछे भागता है। फिर बड़ी मुश्किल से वो एक दूसरे को रस्सी से खोल लेते हैं और टाइलर सबको गाड़ी की तरफ जाने को बोलता है और खुद सैरिन को ढूंढने के लिए चला जाता है। टाइलर सेरिना को ढूंढते हुए एक घर की तरफ पहुंच जाता है और चुपके से उसके अंदर चला जाता है। टाइलर उसे घर में ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती, बट पीछे से बेबी फेस सेरिना और लाला पर हमला कर देता है। लाला सेरिना को वहां से भागने का बोलता है पर एक फ्लेयर गन से बेबी फेस को डराने की कोशिश करता है और वो लाला को भी शूट करके मार देता है। पर यहाँ पर हमें इस बात का भी पता चलता है कि बेबी फेस बस दिमाग नहीं होता बल्कि वो दिमाग का इस्तेमाल भी कर सकता था। फिर वो सेरिना का पीछा करता है और सेरिना भी उसी घर तक पहुंच जाती है जहाँ टाइलर और एलेक्सा होते हैं। घर के अंदर टाइलर को बहुत से फिल्म की रील्स मिलती हैं, उसमें टाइलर और एलेक्सा की क्लब वाली रिकॉर्डिंग भी होती है। अचानक से उसे तभी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है और वो जाकर देखता है तो एलेक्सा को किसी ने बांधा हुआ था। टाइलर उसकी रस्सियां खोलकर उसे आजाद करने जाता है और साथ में ये भी बताता है कि अभी तक कोई उसे मूवी को शूट कर रहा है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बाहर उन्हें सेरिना भी मिल जाती है और फौरन बेबी फेस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो टाइलर को पकड़ लेता है और उसे नीचे पटक देता है और फिर वो एलेक्सा को पकड़ लेता है और सेरिना वहां से भाग जाती है। तो एलेक्सा उसे कहती है कि वो सेरिना के पीछे जाए, वो उसका ऑर्डर मान लेता है और वो ऐसा ही करता है। फिर वो सेरिना के पीछे भाग जाता है। सेरिना एक घर में चली जाती है और वहाँ चारों तरफ डेड बॉडीज लटकी होती हैं। बेबी फेस उसे ढूंढते हुए वहां पर भी पहुंच जाता है लेकिन वो उसे नजर नहीं आती क्योंकि वो एक खून से भरे हुए ड्रम में छुपी हुई होती है। फिर जब बेबी फेस वहां से चला जाता है तो वो बाहर आती है और खुद को साफ करती है और वहां से निकल पड़ती है लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि बेबी फेस उस पर नजर रखे हुए है और वो उस पर हमला करके उसे दबोच लेता है। साथ में टाइलर को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि किसी ने उस कुर्सी से बांधा हुआ है और उसको चारों तरफ मूवीज की रील्स पड़ी हुई हैं और उनमें से एक रील थी द हिल्स रन रेड। और तभी वहां पर मूवी का डायरेक्टर विल्सन कॉनकैनन आ जाता है और ये देखकर टाइलर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो टाइलर को मूवी का एक क्लिप दिखाता है जिसमें बेबी फेस सही एक्टिंग नहीं कर रहा होता, तो वो उसकी जगह खुद बेबी फेस बनता है और उसको मार डालता है। और यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि वो मूवी आखिर गायब क्यों हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें रियल डेथ हुई थी। फिर विल्सन टाइलर को बताता है कि बेबी फेस एलेक्सा का बेटा है और ये सच है कि उसे ये भी बताता है कि जब एलेक्सा 13 साल की थी तब बेबी फेस पैदा हुआ था और उसका बाप कोई और नहीं बल्कि वही विल्सन है। वो कहता है कि मैं ही हूँ जिसने अपनी बेटी का रेप किया था और मूवी में फेस काटकर उसे स्टिचिंग से सीलने वाला भी काम मैंने ही किया था। और वो काम जो भी है ना वो सच है, वो काफी डेंजरस फैमिली होती है। और दूसरी तरफ एलेक्सा लाला को टॉर्चर कर रही होती है, एलेक्सा लाला को बुरी तरह काट रही होती है और फौरन वहां पर विल्सन टाइलर को लेकर के आ जाता है और ये देख करके वो एलेक्सा पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मूवी का डायरेक्टर सिर्फ एक ही है। फिर वो बेबी फेस को बुलाता है और वो कहता है कि वो लाला को मारे लेकिन एलेक्सा बेबी फेस को पीछे करके खुद लाला को मार देती है। और ये देखकर मौके का फायदा उठाकर सेरिना खुद को आजाद करती है और उन दोनों बाप बेटी की लड़ाई इतनी ज्यादा होती है कि वो एलेक्सा को गोली से मार देता है। और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बेबी फेस खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विल्सन को भी मार देता है। फिर वो टाइलर पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन ठीक उसी वक्त सेरिना उसके पीछे से वार कर देती है और बेबी फेस भी मर जाता है। फिर वो सोचते हैं कि अब हम बच चुके हैं लेकिन पीछे से एलेक्सा सॉरी मार के सेरिना को बेहोश कर देती है। फिर वो टाइलर को भी मारती है और उसे भी बेहोश कर देती है। फिर जब टाइलर को होश आता है तो वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सी लाशें हैं और वो उनके साथ ही बंधा हुआ है। फिर एलेक्सा उसे अपनी बनाई हुई मूवी द हिल्स रन रेड दिखाती है और वो मूवी प्ले करके वहां से चली जाती है। और टाइलर मूवी देख रहा होता है और वो पूरी मूवी देखता है और उस मूवी में होने वाली डेथ सब रियल थी और ये कोई कहानी नहीं बल्कि रियल स्टोरी है कि बेबी फेस सब लोगों को मार रहा होता है और बहुत ही बुरे तरीके से वो लोगों को मारता है। और मूवी के एंड होते ही टाइलर पागल हो जाता है और अजीबोगरीब रिएक्ट करता है। दरअसल ये मूवी देखकर उसकी मेंटल एबिलिटीज डिस्टर्ब हो जाती है और वो बुरी तरह से रोने और फिर अचानक हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सेरिना जिंदा है और एलेक्सा ने उसे कैद किया हुआ है। सेरिना प्रेग्नेंट है और एलेक्सा उसके बच्चे को दूसरा बेबी फेस बनाना चाहती है और वो सेरिना के बच्चे को लोरी सुनाती है जिसे सेरिना चीखने और चिल्लाने लगती है। और यहाँ पर ही मूवी एंड हो जाती है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।